जो राम भक्तों पर गोलियां चलाते थे, ये वही लोग हैं जिनके समय में राम जन्मभूमि पर आतंकी हमला हुआ था। ये वही लोग हैं जो लोग राम भक्तों पर गोलियां चलाते हैं और आतंकवादियों पर दायर मुकदमों को वापस लेते हैं। ये वही लोग हैं जो कहते थे अयोध्या में परिंदा भी पर नहीं मार सकता। और बहनों भाइयों, जब आप अयोध्या गए होंगे दर्शन करने के लिए, आपने देखा होगा लाखों का जन सैलाब वहां दर्शन के लिए उमड़ा हुआ है। देख रहे हैं ना, देख रहे हैं ना बहनों भाइयों, या तो रामद्रोही मोदी जी का विरोध कर रहा है या पाकिस्तान विरोध कर रहा है, दोनों के स्वर एक जैसे मिल रहे हैं इस समय। क्योंकि राम भक्त जो है वह राष्ट्र भक्त भी है। जो राष्ट्र भक्त होगा वह पहले देश के विकास के बारे में सोच रहा है, भारत के उत्थान के बारे में सोच रहा है, भारत को ब्रह्म वैभव की स्थिति में पहुंचाने के लिए सोच रहा है, भारत के विकास के लिए उसकी प्रतिबद्धता है, भारत को दुनिया की बड़ी ताकत बनाने के लिए, भारत की सुरक्षा के लिए, बड़े बड़े विकास के कार्य लाने के लिए, गरीब कल्याण कार्यक्रमों को आगे बढ़ाने के लिए वह पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रहा है। और बहनों भाइयों, जो रामद्रोही है वे आज भी पाकिस्तान का राग लगा रहे हैं। क्या कहते हैं? कहते पाकिस्तान के खिलाफ मत बोलो, उसके पास एटम बम है। अरे हमारे पास भी तो एटम बम है, हमारा एटम बम फ्रीज में रखने के लिए नहीं बना है। दूसरा हम ये भी बोलना चाहते हैं कि बहनों और भाइयों, एक तरफ एटम बम की धमकी से भारत के दुश्मनों के उत्साह को बढ़ाने का प्रयास कर रहे हैं और दूसरी तरफ ये लोग राम मंदिर का विरोध करके आपको अपमानित करने का प्रयास कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, आपका एक वोट कितना महत्वपूर्ण है या आपने देखा होगा 2014 के पहले का भारत और 2014 के बाद का भारत। 2014 के पहले गरीब भूख से मरता था, स्वास्थ्य सुविधा के अभाव में मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, बेटी और व्यापारी सुरक्षित नहीं थी, दंगे होते थे, कर्फ्यू लगता था, सर्वत्र अराजकता का वातावरण था। और 2014 के बाद का भारत कैसे परिवर्तन हुआ, दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा, देश की सीमाएं सुरक्षित हुई, आतंकवाद और नक्सलवाद नियंत्रित हुआ। और अब तो जोर से पटाखा फट जाए ना तो भी पाकिस्तान को सफाई देनी होती है कि साहब मेरा हाथ नहीं है, क्योंकि इसे मालूम है कि अगर सफाई नहीं दी तो कहीं लेने की देने न पड़ जाए। ये नया भारत है, छेड़ता नहीं है, लेकिन अगर कोई छेड़ेगा तो फिर छोड़ता भी नहीं है। और बहनों भाइयों, विकास के कार्य हाईवे, अयोध्या देखो ना, रेलवे की डबल लाइन से जुड़ गया है, भव्य स्टेशन अयोध्या का बन गया है, अयोध्या के अंदर जहां से जाओ 4 लेन 6 लेन से जुड़ गया है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन गया है। एक तरफ अयोध्या में रामलला विराजमान हुए और दूसरी तरफ अयोध्या का अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट रामलला के उस समय के जिन्होंने रामलला को अपनी गाथा के माध्यम से जन जन तक पहुंचाया था, ऐसे त्रिकाल दर्शी ऋषि महर्षि वाल्मीकि के नाम पर अयोध्या के एयरपोर्ट का नामकरण हुआ। बहनों भाइयों, वहां जितने भी भोजनालय बने गरीबों के लिए, संतों के लिए, अतिथियों के लिए, उनका नामकरण किसके नाम पर है? माता सबरी के नाम पर। माता सबरी भिल्ली थी, वनवासी थी, उनके नाम पर भोजनालय का नाम, क्योंकि
ट्रेन बस सेवा कहते हैं वो किसके नाम पे है? निषाद राज के नाम पर है, निषाद राज के नाम पर। ये अयोध्या है, इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी है, सड़कें 4 लेन और 6 लेन की है, भव्य दीपावली भी है। पहले माफिया हावी होते थे तो हम लोगों ने भी कहा प्रभु राम लला विराजमान हो रहे हैं तो जन जन में तो जय श्री राम होगा और माफिया और अपराधियों का राम नाम सत्य है भी होगा। हो गया ना? और बहनों भाइयों, राम नाम सत्य की गाथा के बाद अब हमें राम राज्य की परिकल्पना को साकार करना है। इसके लिए भारत को आत्मनिर्भर और विकसित भारत बनाना है। आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए हम सबको भाजपा को जिताना होगा। जिताएंगे? जिताएंगे? बाहर के लोग भी नहीं, बाहर के लोग इतनी दूर से देख रहे हैं, जिताएंगे? लल्लू महाराज को कमल चुनाव चिन्ह पर जिताएंगे? मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे? 5वें चरण में आपका मतदान है 20 तारीख को, है ना? और 20 मई को मतदान है तो बहनों और भाइयों, मतदान के लिए आपको अभी से स्वयं मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा। मोदी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, योगी जी का प्रतिनिधि बनना पड़ेगा, स्वयं लल्लू सिंह बनना पड़ेगा। घर घर जाना होगा, एक एक व्यक्ति को अलग जगाना होगा और बोलना होगा वही जो देश के अंदर पूछ रहा है, जो राम को लाए हैं, जो राम को लाए हैं। क्या बोलेंगे? और उनको लाएंगे का मतलब कमल चुनाव चिन्ह का बटन। और बहनों भाइयों, ये उत्सव गांव गांव में होना चाहिए, अवध क्षेत्र में तो हर जगह होना चाहिए। पूरी दुनिया अवध क्षेत्र का गुणगान गा रही है, पूरी दुनिया गा रही है। लल्लू जी की जीत, लल्लू सिंह जी की जीत पिछली बार से दुगने वोटों से होनी चाहिए, तब मेहनत हम सब की सार्थक होगी। हम सब की मेहनत तब सार्थक होगी, क्योंकि नहीं तो एक कांग्रेस और सपा के लोग गाली दे दे करके हम लोगों को पहले ही वैसे कड़घरे में खड़ा करके रखे हुए हैं। पहले ये लोग इस प्रकार की बातें करते हैं, इसके बाद भी अगर हम लोगों को सफाई देनी पड़े तो फिर बात नहीं बनेगी। बहनों और भाइयों, मोदी जी ने 10 वर्ष में बिना चेहरा देखे गांव, गरीब, किसान, नौजवान, महिलाएं, इन सब के विकास और उत्थान के लिए, उनके कल्याण के लिए कार्य किया लगातार बिना रुके, बिना टिके, बिना झुके। कांग्रेस और सपा की सरकार के समय गरीब भूख से मरता था, आज 80 करोड़ लोग फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त कर रहे हैं। और पाकिस्तान में जितनी आबादी है उससे ज्यादा आबादी को गरीबी से उभारने का काम मोदी जी ने मात्र 10 वर्ष के अंदर हिंदुस्तान में किया। 60 करोड़ लोग बहनों और भाइयों हिंदुस्तान के अंदर फ्री में राशन की, फ्री में स्वास्थ्य बीमा का कवर प्राप्त कर रहे हैं। और अयोध्या में तो अब तो महाराष्ट्र राजर्षि महाराज दशरथ के नाम पर भी मेडिकल कॉलेज का निर्माण हो गया है। बहनों और भाइयों, अयोध्या में यही नहीं हुआ, अब तो हर घर नल की योजना भी आपके घर में शुद्ध पानी पहुंचाने के लिए दिखाई दे रही है। एम्स बन रहे हैं, IIT बन रहे हैं, IIM बन रहे हैं, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटी बन रही है, नए नए उद्योग लग रहे हैं और विकास के कार्य इस रूप में गरीबों के लिए मकान भी 4 करोड़ मकान मिल गए हैं। और बाकी लोगों को अभी से आप बता दीजिए कि जितने लोग बाकी बचे होंगे अगले 5 वर्ष के अंदर सबको एक एक मकान मिल जाएगा, जितने गरीब बचे होंगे।
जितने गरीब के पास 10 करोड़ गरीबों को अब तक रसोई गैस के कनेक्शन मिल गए हैं, बाकी लोगों से कहिए कि जितने बचे होंगे कैंप लगा करके फिर से अभियान चला करके सबको मिलेगा। 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ प्राप्त हो रहा है, 12 करोड़ घरों में शौचालय बन गए हैं। बहनों और भाइयों, जो कभी नहीं हुआ वो मोदी जी ने करके दिखाया है, और इसीलिए तो हम कह रहे हैं एक कांग्रेस और सपा के लोग केवल लालच देते थे, गुमराह करने का काम कर रहे हैं, कितना झूठ बोलते हैं लोग। यानी दोनों लड़के क्या कहते हैं, मिलकर के लूटेंगे और हारेंगे तो टूटेंगे, यानी हारेंगे तो एक दूसरे पर ये लोग आरोप लगा करके आपस में ही मारपीट करेंगे। अपना को जो करना होगा करें, लेकिन कम से कम देश को तो लूटे, इसकी भूखा व्यवस्था विषय में करनी होगी। और इसीलिए इनके द्वारा जो काम किया जा रहा है, बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के द्वारा बनाए गए संविधान में अनुसूचित जाति जनजाति और पिछड़ी जाति के आरक्षण पर सेंध लगाने का इनका प्रयास होने जा रहा है, इस सपा के लोगों को कांग्रेस के लोगों को सफल मत होने देना। बहनों भाइयों, गुमराह करेंगे आपको, झूठ बोलेंगे, और मैं अयोध्या में इस बात के लिए भी आपसे कहूंगा, यह अयोध्या की धरती है, महाराज दलित की धरती है, जिन्होंने गो माता को बचाने के लिए अपना शरीर भी शेर के सामने प्रस्तुत कर दिया था। और आज कांग्रेस के लोग क्या कहते हैं, एनडी गठबंधन के लोग क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि अगर कांग्रेस नेतृत्व की समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की सरकार बनी तो ये कहते हैं कि हम अल्पसंख्यकों को उनकी रुचि के अनुसार खान पान की स्वतंत्रता देंगे। बहनों और भाइयों, बहुसंख्यक और अल्पसंख्यक में कहां पे भेद है, रोटियों भी खाते होंगे, अल्पसंख्यक भी खाता है, बहुसंख्यक भी खाता है, चावल बहुसंख्यक भी खाता है, अल्पसंख्यक भी खाता है, सब्जी दोनों खाते होंगे, दाल दोनों खाते होंगे, पूड़ी पकौड़ी सब, हलवा सब खाते होंगे, मीठा भी सब खाते होंगे, लेकिन एक जगह में मतभेद हो जाता है। बहुसंख्यक समाज कहता है कि भाई देखो, गौ हमारी माता है, जन्म जन्म का नाता है, गौ माता की हत्या भी नहीं स्वीकार करेंगे, गौ माता का मांस खाने की बात तो बहुत दूर भी, लेकिन कुछ मुसलमान शरारतन गौ माता का मांस खाते हैं चिढ़ाने के लिए, अपमानित करने के लिए। और कांग्रेस कहती है अगर सरकार आएगी तो उनको गौमांस खाने की छूट देगी, क्या आप इसको स्वीकार करेंगे क्या? अरे जो पुण्य मिला है अयोध्या में रामलला के विराजमान होने का, उस पुण्य को खोने की आवश्यकता नहीं, वह पुण्य बना रहे, और ये पाप के भागीदार सपर कांग्रेस के लोग बनना चाहते तो बने, हम उनके पाप में भागीदार करते ही ना बने। और इसीलिए मैं आपसे कहने के लिए आया हूं, भाजपा ये है आत्मनिर्भर और विकसित भारत के लिए, आत्मनिर्भर और विकसित भारत का मतलब आत्मनिर्भर युवा, आत्मनिर्भर किसान, आत्मनिर्भर महिलाएं, आत्मनिर्भर समाज का हर तबका, हस्तशिल्पी भी होगा, कारपेंटर भी होगा, कारीगर भी होगा, समाज का तबका आत्मनिर्भर होगा। और विकसित भारत का मतलब राम राज्य की परिकल्पना जो प्रभु राम के समय अयोध्या के अंदर देखने को मिलती थी, उस परिकल्पना को साकार करना है तो मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाना होगा और लल्लू सिंह जी को अयोध्या से सांसद चुनकर के भेजना होगा। चुनकर के भेजेंगे, अयोध्या जीतेगा, भारी बहुमत से जीतेगा, घर घर जाना होगा, जाएंगे भारी बहुमत से विजयी बनाएंगे, तो फिर मेरे साथ बोलेंगे भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की जय श्री राम, जय जय श्री राम।
वाओ स्मूथ, सिर्फ स्मूथ नहीं स्मूथ। कांग्रेस नेतृत्व की यूपीए सरकार थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी भी बिन मांगे यूपीए गवर्नमेंट को अपना समर्थन दे रही थी। और उस समय की सरकारों के हाल आपने देखे होंगे, दुनिया के अंदर पहचान का संकट था हमारे लिए, सीमाएं सुरक्षित नहीं थी, आतंकवाद चरम पर था, नक्सलवाद देश के अंदर तेजी के साथ अपना फन फैलाया हुआ था, आतंकवादी कहीं भी विस्फोट करके निर्दोष लोगों को मार देते थे। 2014 के बाद आपने देखा होगा, 14 के पहले देश के अंदर विकास की योजनाएं नहीं थी, भ्रष्टाचार चरम पर था, गरीबों के हकों पर डकैती डालने का कार्य होता था। बहनों और भाइयों, 2014 के बाद दुनिया के अंदर सम्मान बढ़ा है, सीमाएं सुरक्षित हुई हैं, अब तो आतंकवाद और नक्सलवाद पूरी तरह समाप्त हुआ है। अगर कहीं पर जोर से विस्फोट हो जाए ना पटाखे का भी, तो पाकिस्तान पहले सफाई देता है कि नहीं, हमारा कोई हाथ नहीं है। बहनों और भाइयों, ये इसलिए संभव हुआ है क्योंकि एक मजबूत सरकार है। कांग्रेस और यूपीए की सरकार की तर्ज पर मजबूर सरकार नहीं है, मोदी जी के नेतृत्व की एक मजबूत सरकार है, जो कहती है वो करके दिखाती है। जब पुलवामा की घटना घटित हुई थी, तब प्रधानमंत्री मोदी जी ने कहा था, उन्होंने कहा था, हमारे जवानों की शहादत, उनका बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और हमारे भारतीय जवान पाकिस्तान के अंदर घुस करके आतंकवादियों की माद में घुस करके उनको सबक सिखाने का काम किए थे। पाकिस्तान चिल्लाता रह गया, जान बचा करके भागना पड़ा था वहां के वहां पर पाकिस्तान को। बहनों और भाइयों, ऐसे ही विकास के बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, बड़े बड़े कार्य हो रहे हैं, हाईवे, रेलवे, मेट्रो, आईआईटी, आईएम, मेडिकल कॉलेज, एम्स, ट्रिपल आईटी, एनआईटी, वर्ल्ड क्लास यूनिवर्सिटीज, हर घर नल की योजना, ये सभी तेजी के साथ आगे बढ़ते जा रहे हैं। और गरीब कल्याणकारी योजनाओं की तो कोई गिनती नहीं। आप सोचिए, कांग्रेस के समय में, सपा के समय में, बसपा के समय में लोग भूखों मरते थे, आज 80 करोड़ लोगों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्राप्त हो रहा है। उनके समय में भ्रष्टाचार था, गरीब के हक पे डकैती पड़ती थी, और आज आप देख रहे होंगे कि देश के अंदर 60 करोड़ लोगों को तो आयुष्मान भारत में 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का कवर मिल रहा है। और बहनों और भाइयों, उत्तर प्रदेश में अगर कोई गरीब बीमार हो जाता है, उसके पास आयुष्मान भारत का कार्ड नहीं है, हमारा विधायक या हमारा पदाधिकारी या कोई पीड़ित स्वयं मुझे पत्र लिख देता है, तो मोदी जी के द्वारा खोले गए जनधन अकाउंट में हम सीधे पैसा भेज देते हैं, उसके उपचार की व्यवस्था करवा देते हैं। क्योंकि हम चेहरा देख करके योजना का लाभ नहीं देते हैं, हमारा तो मंत्र है सबका साथ और सबका विकास का। बहनों और भाइयों, जाति मत और मजहब के आधार पर नहीं, हमने तो जनता जनार्दन की सेवा को ही अपने जीवन का उद्देश्य माना है। लोग अपने परिवार के लिए कमाते होंगे, और हमारे लिए तो 25 करोड़ की जनता और मोदी जी के 140 करोड़ की जनता ही परिवार है। उसकी सुरक्षा, उसकी खुशहाली, यही हम लोगों का जीवन का ध्येय है और उसी के लिए कार्य करते हैं।
इसी प्रकार से आपने देखा होगा 12 करोड़ किसानों को किसान सम्मान निधि का लाभ मिल रहा है, 12 करोड़ गरीब घरों में शौचालय बन गए हैं, 10 करोड़ गरीबों को आपने देखा होगा कि 10 करोड़ गरीबों के घर में रसोई गैस के सिलेंडर पहुंच गए हैं और 4 करोड़ गरीबों के मकान भी बन गए हैं। बहनों और भाइयों, ये काम कांग्रेस चाहती तो वो भी कर सकती थी, समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी चाहती तो वो भी कर सकती थी, लेकिन इन्होंने अपने परिवार के लिए तो भरा, अपने परिवार वालों के लिए खूब कमाया, लेकिन गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया, गरीबों के लिए कुछ भी नहीं किया। और एक तरफ किया कुछ नहीं, वहीं आपने वर्तमान में कांग्रेस और सपा का जो गठबंधन है, इंडी गठबंधन, इनके घोषणा पत्र को देखा होगा। अपने घोषणा पत्र में क्या कहते हैं, ये कहते हैं कि हम गरीबी हटाएंगे। कैसे हटाएंगे गरीबी? गरीबी हटाओ का नारा तो श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने भी दिया था। श्रीमती इंदिरा गांधी ने कहा था 1970 में गरीबी हटाने का। बहनों और भाइयों, 54 वर्ष के बाद भी नाती भी वही तोता रटंत लगाए जा रहा, हम गरीबी हटाएंगे, एक झटके में हटाएंगे। जब उससे पूछा गया कि कैसे हटाएंगे, तो कहता है हम सभी लोगों की संपत्ति का सर्वे करवा देंगे, और सर्वे कराने के बाद अगर किसी के पास 4 कमरे का मकान है ना, तो 4 कमरे के मकान में अगर उनके परिवार में 4 लोग हैं, तो कहेंगे कि तुम्हारे लिए 2 कमरे पर्याप्त हैं, 2 कमरे हम दूसरे लोगों को जबरदस्ती कब्जे में ले लेंगे, उस पर कांग्रेस का अधिकार हो जाएगा। वे कह रहे हैं हम सर्वे कराएंगे। देखो, कल सुप्रीम कोर्ट ने भी कहा है कि स्त्री धन पर केवल स्त्री महिला का अधिकार है, कोई दूसरा अधिकार नहीं कर सकता। लेकिन ये बेशरम लोगों को देखो ना, ये कहते हैं कि महिलाओं के जेवर को भी हम अपने कब्जे में ले लेंगे। क्या हिंदुस्तान इसको स्वीकार करेगा? क्या स्वीकार करेगा?